मत पीछे के तो ठीक है इसका। नहीं हुआ दर्द काट गए दे देख कितने सारे कट गए दे इतने बड़े बड़े हो रखे थे इसको नाक में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमः शिवाय, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं 10 बजे से, 10 बज गई हैं और अभी तक मैंने थोड़ा थोड़ा झाड़ू लगाया, पूरा नहीं लगाया है। मैं अभी दूध के लिए गई तो मैंने दूध रखा हुआ है, तो इसलिए मैं अंदर ही घूम रही हूँ, क्योंकि दूध अगर भूल गई मैं इधर उधर चले गई तो भूल जाऊंगी और फिर दूध का हो जाएगा राम नाम सत्य। इसलिए जब तक दूध गर्म नहीं होता तब तक मैं यहीं पर हूँ। और हमारी भी थोड़ा थोड़ा दिवाली की भी शॉपिंग हो गई है। शॉपिंग क्या होनी है, लड़ी वगैरह ले आए हैं, लेकिन लड़ी तो लाए हैं पर लगाने की दिक्कत है। हस्बैंड जी की तो छुट्टी अभी हुई नहीं है और कल संडे है, देखते हैं कल कितना होता है, कल लगाएंगे थोड़ा बहुत। और कुछ ये दिए ला रखे हैं, ये जो पानी से जलते हैं, देख सब लोग ला रहे हैं आजकल इनको, तो देखते हैं ये कैसे जलते हैं इनमें पानी डाल के। अभी तो नहीं जलाऊंगी, जब जलाऊंगी तब मैं वीडियो बनाऊंगी। सब के सब आजकल लोग ना बहुत सारे ले रहे थे, ये वीडियो भी बना रहे थे इनके, मैंने सोचा हम भी क्यों ना ले आए इनको, कैसे जलते हैं देखते हैं, जलते हैं कि नहीं जलते हैं, है ना। किसी किसी पर तो छोटे ब्लॉक जैसे लगे हैं और किसी पर ना, किसी किसी पर बड़े से बड़े बड़े ब्लॉक लगे हुए हैं, किसी पर ये देखिए छोटे से हैं ये। और किसी पर ये बड़े से हैं, तो बड़े कैसे जलते हैं, छोटे कैसे जलते हैं ये भी दिखाएंगे आपको, और पानी से कैसे जलते हैं ये भी दिखाएंगे। अभी दिन में तो नहीं दिखाएंगे, रात को दिखाएंगे, रात को जलाएंगे इनको, लेकिन बहुत सारे ला रखे हैं। और अभी मुझे, मैं जाऊंगी मिट्टी के दिए लेके आऊंगी जो कि घी से जलते हैं, और असली दिए वही होते हैं, ये तो खाली बस वैसे हैं टेम्परेली। और एक ये लाए हैं, आपको दिखाती हूँ, मेरी तार अटका हुआ है यहाँ पे ना, ये देखिए ये दिया है, और जलने के बाद ऐसे लगता है ये कि, और ये हैं इनके पास अंदर भी बल्ब लगे हुए हैं, हमने खुद लगाए हैं, ये अलग अलग थे, जोड़े नहीं थे, तो दो लाए हैं, एक पर लिखा है शुभ लाभ और दूसरे पे लिखा है, यहाँ पे ये सारा सामान रखा हुआ है दीपावली का, ये ब्लॉक इसके अंदर लगते हैं, तो ये भी ला रखे हैं यहाँ पे, तो देखेंगे जलने के बाद कैसे लगते हैं, अभी नहीं दिखाएंगे, दिवाली में ही लगाएंगे इनको, अभी तो ये बस फिट करके रखे हुए हैं, यहाँ ऊपर लगाएंगे इनको झूमर पे, अभी हमने झूमर नहीं लगाई ना, तो वहाँ तार है उसी पर लटका देंगे, एक बाहर के कमरे में एक लॉबी में तो। और एक बड़ा सा बल्ब लेके आए हैं बाहर के लिए, बाहर का जो हमारा था ना वो फ्यूज हो गया था, तो ये क्या है, पैनासोनिक, पैनासोनिक कंपनी का है, देखे है। और ये बहुत बड़ा है, ये देखिए इतना बड़ा बल्ब है ये, तो इसको ना लगाएंगे हम ऊपर छत पे, बिल्कुल टॉप पे लगा रखा है, एक छोटा है
ऐसा ही है वो, लेकिन वो थोड़ा सा उस पे कम रोशनी कम है, तो बाहर ऊपर लगाना है तो रोशनी तो चाहिए ही होगी। और मेरे हाथ से नीचे गिर गया था, टूट गया था अभी, तो डांट खा ली थी मैंने पति देव की, दिखाने के चक्कर में तोड़ दिया, लेकिन बच गया। मैंने सोचा ना कि ये खड़ा हो जाएगा नीचे, लेकिन उसके नीचे गोलाई है तो वो लटकने लग गया। तो ये रहा हमारा बल्ब। और लड़ियाँ भी हैं, लड़ियाँ भी बहुत सारी ला रखी हैं, तो उनको हम बाद में दिखाएंगे। वो मैंने अंदर रखे हुए हैं अंदर के कमरे में। और ये थोड़ा सेट करने को थे तो ये सेट करके यहाँ पे रखे हुए हैं मेज में। और बाकी मेरा दूध, हाँ हो रहा है गर्म। मैंने कहा कहीं बात करते करते दूध तो नहीं चला गया। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। चलो, टाइम 12 बजने वाली है, मेरी सफाई अभी तक हो ही रही है। और इतना सारा कूड़ा निकला 2 बाल्टी भर के, 2-3 बाल्टियां भर के। और कुछ मैंने वैसे छांट के रख दिया है, वो क्या है कि कूड़े वाला आएगा ना उसको दे देंगे। और इसको ले जाती हूँ मैं जंगल में, 1 बाल्टी ये भरी हुई है, इसको जंगल में ऊपर जलाने के लिए ले जाती हूँ। तो देखते हैं, कूड़ा निकला था, कागज व पॉलिथीन वगैरह पता नहीं क्या क्या। मैंने आग लगा दी है इस पे, और जंगल में पूरी तरह ऐसे हो रखा है। यहाँ पे मैंने थोड़ा खोद के गड्ढा कर रखा है थोड़ा सा कूड़ा जलाने के लिए। कूड़ा जल रहा है, अभी हरियाली है तो आग लगने की डर नहीं है। मैं और टफी जा रहे हैं घर की ओर, कूड़ा जल ही जाएगा क्योंकि सूखा है ना, गीला नहीं है। और गर्मियों में तो ये होता है, पत्ते रहते हैं तो आग जल फैलने की डर रहती है। आसपास सब हरा हरा है, आग कहीं नहीं फैलेगी। जल गया, कूड़ा थोड़ा ही रह गया था, तो क्योंकि यहाँ ना जंगल में मच्छर बहुत काट रहे हैं, तो इसलिए मैं जल्दी आ गई घर। कूड़ा जल ही जाएगा थोड़ा सा, झाड़ी हो रखी है बहुत ज्यादा। सारी धान सुखा रहे हैं लोग आजकल, और धूप चले गए, अब आएंगे ये उठाने के लिए। तो अभी पाला पड़ने लग जाएगा, फिर गीले हो जाएंगे धान। हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, टफी और मैं। अभी पतिदेव तो आए नहीं, लेकिन हमने सोचा हम घूम के आ जाते हैं, क्योंकि अंदर ठंडा भी लग रहा था, यहाँ थोड़ी धूप थी, तो सोचा धूप सेक लेते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।